नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट गए। सूत्र बताते हैं कि करीब 2.5 घंटे वो वहां पर रुके। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से उन्होंने कहा कि मुझे कोर्ट रूम नंबर 1 देखना है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा और क्या चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां लेकर गए और उसके बाद दोनों के बीच क्या कुछ हुआ, क्या बातचीत हुई, आपको देखनी चाहिए रिपोर्ट। ये तस्वीर 4 अगस्त 1958 की है, जब सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत के उद्घाटन के मौके पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और ये तस्वीर 25 नवंबर 2018 की है, जब बिम्स्टेक देशों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के बाद डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। यानी सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये दूसरा ऐसा मौका जब कोई प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन मोदी की ये यात्रा इस माने में ज्यादा अहम थी कि उन्होंने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत कई न्यायाधीशों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने चीफ जस्टिस को उस वक्त हैरान कर दिया जब उन्होंने कोर्ट नंबर 1 देखने की इच्छा जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट में 15 कोर्ट रूम्स हैं, लेकिन कोर्ट नंबर 1 सबसे खास है, जहां चीफ जस्टिस खुद बैठते हैं। अमूमन इसी रूम में केंद्र सरकार से जुड़े अहम मामलों की सुनवाई होती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट का गौरवशाली अतीत है, इसीलिए पीएम मोदी इस अतीत को कुछ पल के लिए ही सही जीना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक 25 नवंबर की रात 8 बजे के आसपास मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्हें 9:30 बजे डिनर के बाद वापस जाना था, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। वो चीफ जस्टिस के साथ पहले कोर्ट नंबर 1 पहुंचे, उस जगह को देखा, जाना और फिर जस्टिस गोगोई के साथ ही चाय पी। रंजन गोगोई, राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह के अलावा प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस से कभी सीधे नहीं मिलते और सुप्रीम कोर्ट में तो ये कभी नहीं हुआ। कोई बात करनी होती है तो चिट्ठियों के जरिए होती है, मुलाकात नहीं। लेकिन पीएम ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर जस्टिस रंजन गोगोई से मुलाकात कर एक और परंपरा तोड़ दी, या कहें नया इतिहास बना दिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।